हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि असर के मामले में कौन सा बेस्ट टेबलेट होता है, टेडलाफिल या सिल्डेनाफिल, किस टेबलेट को लिया जा सकता है। तो अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि टेडलाफिल या सिल्डेनाफिल किस टेबलेट से ज़्यादा टाइम बढ़ता है, तो अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सिल्डेनाफिल या टेडलाफिल का क्या काम होता है। सिल्डेनाफिल या टेडलाफिल टेबलेट का काम पुरुषों के लिंग में तनाव ना आने की समस्या को दूर करता है। अगर आपके लिंग में कठोरता नहीं आती है, हार्ड इरेक्शन नहीं आता है, आप कर नहीं पाते हैं या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते हैं संबंध बनाने के लिए, तो इस प्रॉब्लम में टेडलाफिल या सिल्डेनाफिल टैबलेट ली जाती है जिससे आप अपने मोमेंट को अच्छे से इन्जॉय कर पाते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पर, असर के मामले में कौन सा टैबलेट बेस्ट है। दोनों ही टैबलेट का काम बिल्कुल एक जैसा होता है, लिंग में ब्लड फ्लो को इनक्रीज करके हार्ड इरेक्शन देना ताकि आप देर तक आनंद ले सके। बट असर की बात करते ही दोनों टैबलेट बिल्कुल अलग अलग हो जाती है क्योंकि दोनों टैबलेट का असर आपकी बॉडी में अलग अलग रहता है। सिल्डेनाफिल टैबलेट का असर जहां आपकी बॉडी में 5 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रह सकता है, वहीं टेडलाफिल टैबलेट का असर आपकी बॉडी में 3 दिन से लेकर पूरे 1 वीक तक रह सकता है। ये दोनों टैबलेट का असर इसके डोजेस पर भी डिपेंड कर सकता है कि आप कितने mg का डोज ले रहे हैं, और साथ ही आपकी बॉडी पर भी डिपेंड करता है कि ये टैबलेट आपकी बॉडी पर कैसे असर कर रही है, क्योंकि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। अब बात करते हैं एडवाइस की। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले लोअर डोज लीजिए इस तरह की टैबलेट का, और अगर ज़रूरत पड़े तब आप हायर डोज ले सकते हैं। इसके साथ ही इसके असर को और बेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज, योगा, रनिंग कीजिए, हेल्दी डाइट, विटामिन मिनरल्स वाले फूड और फ्रूट खाइए, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, इससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट रहेगा और इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज़्यादा तली हुई, ज़्यादा तेल वाले खाने से दूर रहिए, ऐसा करने से आपकी परफॉर्मेंस हाई होती है और बैड कोलेस्ट्रॉल का खतरा नहीं रहता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नए कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।